सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सच्चा प्यार और भूत दोनों ही एक जैसे होते हैं। जब तक मिलते नहीं हैं, तो यकीन नहीं होता है उनके होने का, और जिस दिन मिल जाते हैं लोग डरने लगते हैं। नखरे बहुत हैं तसल्ली के भी दोस्तों, लाख कोशिशें कर लें तो भी मिलती ही नहीं है। प्रेम इस तरह किया जाए कि प्रेम शब्द का कभी जिक्र तक ना हो। आज का पंचांग 6 दिसंबर 2022 दिन मंगलवार, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी तिथि सुबह 8:01 तक रहेगी। भरणी नामक नक्षत्र सुबह 8:38 तक रहेगी। इसके उपरांत कृतिका नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:57 से 4:17 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:56 से 12:38 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेगी। आज चंद्रमा मेष राशि पर दोपहर 3:03 तक रहेगी। इसके उपरांत वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृश्चिक राशि पर रहेंगे। वृषभ राशि 6 दिसंबर 2022। आज आपको ईमानदारी से काम लेना है। आज के दिन अपने काम की बारीकियों पर ध्यान देना और उन महत्वपूर्ण कामों को पूरा कर लेने के लिए भी बहुत अच्छा है जिन्हें आप कुछ समय से टाल रही हैं। आप इन नीरस रूटीन कामों को पूरा करने में आलस कर रही हैं, लेकिन एक बार आप इन्हें शुरू कर दे तो बहुत जल्दी पूरा भी कर लेंगे। आज कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात होगी जो आगे चलकर बहुत ही लाभदायक साबित होगी। व्यस्तता के बावजूद आप अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए भी समय निकाल लेंगे। विद्यार्थियों को स्कूल या कॉलेज की गतिविधियों में योगदान देने का मौका मिलेगा। परिवार के लोगों के साथ मिलकर किए गए काम की वजह से आनंद मिलेगा और कम प्रयत्नों में सफलता हासिल हो सकती है। रियल एस्टेट से जुड़े निर्णय अगले कुछ दिनों में लिए जा सकते हैं। मित्रों से पुराने गिले शिकवे दूर होंगे। महत्वपूर्ण काम पूरे करने पर ध्यान दें। पार्टनर का व्यवहार आपके लिए बदलता हुआ नजर आएगा जो आपके लिए आनंद का कारण हो सकता है। बदन दर्द की तकलीफ के कारण बेचैनी भी महसूस होगी। सावधानियां, जोखिम भरे कामों में पैसा लगाना नुकसानदेह रहेगा। सोच विचार करने में ज्यादा समय न लगाएं क्योंकि इसकी वजह से कुछ महत्वपूर्ण काम हाथ से निकल जाएंगे। बैंक या निवेश संबंधित कोई काम न होने से मन में झुंझुलाहट रहेगी। बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक संबंध मधुर रहेंगे। प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां बनी रहेगी। इस समय यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप एकदम से किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचें या अपने रिश्ते में गलतफहमी पैदा ना होने दें। रिश्ते में खुलापन और ईमानदारी लाने की पूरी कोशिश करें क्योंकि इस समय आपके इस रिश्ते पर अविश्वास के बादल छाए हुए हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी तीसरा आदमी आपके पार्टनर से जुड़ी किसी भी मुद्दे पर आपके किसी फैसले विचार को प्रभावित ना कर पाए। बात करते हैं करियर की। आप बहुत ही आराम से संवाद स्थापित कर रही हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें अड़चन डाल सकते हैं और उनके हस्तक्षेप की वजह से एक बहुत ही नाटकीय दृश्य आपके कार्य में पैदा हो सकती है। आपका दृष्टिकोण संगठन के लाभ के खिलाफ माना जाएगा, इसलिए बेहतर है कि एक कदम पीछे रखें ताकि इसका असर दूसरों पर ना हो। इस बीच में अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान दें। कार्य क्षेत्र में जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं उसे पाने के लिए पूरी शिद्दत से कोशिश करें। सफलता मिलेगी। काम करने के तरीकों में बदलाव संबंधित महत्वपूर्ण फैसला फायदेमंद रहेगा। प्रभावशाली लोगों से संपर्क भी बनेंगे। बात करते हैं सेहत की। इस समय आप अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, यह अच्छा विचार है। योग और भाग दौड़ की नियमित प्रैक्टिस के अलावा आप दूसरे शारीरिक एक्सरसाइज भी जारी रखें। हालांकि अगर आपके शरीर का कोई हिस्सा कमजोर है तो थोड़ा संभल कर योजना बनाएं। जो हिस्सा आपका कमजोर है उसी वाले हाथ से वजन उठाने की प्रैक्टिस करें। आज का उपाय, गरीबों को आज दान पुण्य करें शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।